रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आलू गोश्त तो आपने घर में कई बार बनाया होगा, मगर बिलीव मी, इतनी यूनिक, टेस्टी और क्विक वे में कभी नहीं बनाया होगा। हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल में या मुहर्रम में और 40वें पे जो नियाज से लंगर बनता है, तो सेम उसी तरीके से आज मैं आपको बताना सिखाऊंगी। सबसे पहले हांडी चढ़ा लेंगे चूल्हे पे और उसमें डाल देंगे गोश्त धोकर। तो गर्मी में कुकिंग करना खवातीन के लिए आसान नहीं होता, तो इस तरह ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच, और साथ ही हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया, क्रश करके डालें, 1 चम्मच ही मैंने लिया है, और 1 चम्मच ही लेंगे हम गरम मसाला। बड़ी इलायची आप इसमें तोड़ के डालें, और कोई हम इसमें बाजारी मसाले नहीं यूज़ करने वाले, पैकेट के जो होते हैं वही मसाले डालेंगे जो आमतौर पर हमारे घरों में डलते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 2 चम्मच भर के डालेंगे चिली फ्लेक्स, इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप दूसरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच ही डाली है मैंने हल्दी, और 1 कप इसमें डालेंगे पानी और उसे कवर करके छोड़ देंगे 1/2 घंटे के लिए। तब तक हम टमाटर और हरी मिर्चें काट लेते हैं, और 30 मिनट हो चुके हैं। इसमें मैंने डाले हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। गोश्त तकरीबन आधा गल चुका है और इसमें थोड़ा सा पानी आप देख पा रहे होंगे, तो बस इस टाइम पे हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे और इसमें डाल देंगे हम ऑयल या घी जो आपको पसंद हो। तो मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ तकरीबन 3 चम्मच के करीब, तकरीबन ये 1 कप बनता है, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो भूनते भूनते से अभी टाइम लगेगा क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा पानी रहता है, तो इस टाइम पे हमने इसको भूनना है, और ताकि ये इसका पानी खुश्क हो जाए और मसाला अच्छे से घी छोड़ दे। और जैसे ये भुनेगा हम इसमें आलू डाल देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए, और इसमें मैंने डाल रही हूँ 1.5 पाव के करीब आलू। आलू आप देख सकते हैं मैंने बड़े साइज़ में काटे हैं, क्योंकि जो देग में आलू गोश्त बनता है उसमें बड़े साइज़ के ही आलू जाते हैं। अगर आप बारीक काट के डाल सकते हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा। तो मैं आज देगी स्टाइल में बना रही हूँ, इसीलिए मैंने बड़े साइज़ के डाले, और इसमें 1 लीटर के करीब मैंने पानी डाला है। 20 मिनट कुक किया है, और उसके बाद ये डन हो चुका था, ये देख पा रहे हैं आप। इसमें मैंने डाली है कसूरी मेथी 1 चम्मच, और इसकी गार्निश करूंगी मैं हरे धनिया से। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है, अंधेरा है, तो मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें जनाब इसकी फाइनल लुक, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।